अरे जो माफिया तो उन्हीं पे ही तो सही है जी, जो गरीब आदमी जनता है, गरीब जनता उनके घरों पे बुड्डोड़े चलता है तो वो सही नहीं है जी। देखो हो जाता है 400-500 हजार भी हो जाता है तो नहीं होगा जी, जब अपना मेहनत से काम करेंगे तो होगा, इधर भी लाभ होगा। अब हम यूपी से इधर आए हैं आपकी साइड में बिहार काम करने के लिए आए, तो हमें लाभ हो रहा है तभी तो हम कर रहे हैं जी इधर काम। देश कमाने के जाते हैं तो जी उनसे यही कहना चाहेंगे कि अपने अपने हिंदुस्तान में रह के काम करो, इससे बढ़िया क्या बात है, अपने हिंदुस्तान में रह के काम करोगे तो। नमस्कार, मघी आवाज में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ गोल्डन कुमार। बीते दिन होली का फेस्टिवल था, होली का त्यौहार था, होली त्यौहार बीत चुका है। अब बिहार झारखंड यूपी के लोग अक्सर बाहर जाते हैं कमाने के लिए, यानी अपने पेट के लिए, रोजी रोजगार के लिए बाहर कमाने जाते हैं। नवादा में एक ऐसे व्यक्ति मिले जो कि बिहार झारखंड यूपी के रहने वाले हैं, बिहार में अपना काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं देखिए, दिन भर अपना मेहनत करते हैं और मेहनत करके अपना ये जो बेचने का सामान है ये दिन भर अपना बेचते वगैरह हैं, और इनका कहना है कि हम लोग घर में भी रह के सामान को बेच सकते हैं। जो लोग विदेश कमाने जाते हैं, जिन लोगों के साथ आपने बीते दिन देखा भी होगा, जिस तरह से तमिलनाडु की घटना खबर तो वीडियो जो वायरल हुआ था, शायद वो वीडियो झूठ निकला, लेकिन जिस तरह से वायरल हुआ था उस तरह की घटना को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है हमारे बिहार में, कि जो जिस तरह से लोग अपने रोटी रोजगार के लिए विदेश कमाने जाते हैं या अपने राज्य से बाहर कमाने जाते हैं, उस तरह का लोग व्यवहार करते हैं नज़र आते हैं। तो आइए हम इस व्यक्ति से बात करते हैं कि इनको कहीं काम कर रहे हैं अपने, क्योंकि बिहार झारखंड यूपी के लोग अक्सर बाहर जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन ये यूपी के रहने वाले हैं और बिहार में ही काम कर रहे हैं, तो इनको कैसा लग रहा है, क्या इनके यहाँ पे रहने से, बिहार में रहने से या यूपी में रहने से इनको अपने परिवार का भरण पोषण हो रहा है कि नहीं, हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम तो जी मोहम्मद रजा, मोहम्मद रजा। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? इधर तो 4 महीने हो गए बिहार। आपका घर कहाँ हुआ? घर तो यूपी। आपका घर कहाँ हुआ? यूपी। यूपी घर हुआ। कब से काम कर रहे हैं बिहार? इधर तो 4 महीने से काम कर रहे हैं जी। 4 महीने से काम कर रहे हैं। होली में घर गए थे? नहीं नहीं, इधर ही रहे थे। घर गए नहीं थे जी, काम ही ना तो इसलिए नहीं गए थे। तो कैसा लग रहा है यहाँ काम करके नवादा में? काम करके तो अच्छा लग रहा है, इधर तो काम करके अच्छा लग रहा है। हाँ जी। तो कितना कमाई हो जाता है दिन भर में? हो जाता है 400-500 हजार भी हो जाता है। हजार एक दिन में हो जाता है? हाँ, जैसा काम के ऊपर है, जैसा काम मिल जाता है ऐसा हो जाता है। महीना में लगभग कितना कमा लेते हैं? महीना में लगभग 15 भी हो जाता है जी, 10 भी रह जाता है। मतलब बेचने ये हाँ, तो सब कुछ करने के बाद 15 बचता है? हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ लोग बाहर भी कमाने जाते हैं जी, उन लोगों को 15-20 हजार रुपया मिलता है। बिहार यूपी झारखंड के लोग अक्सर बाहर कमाने जाते हैं। हाँ, होली खत्म हुआ है, होली के बाद लोग बाहर कमाने जा रहे हैं, उन लोगों को 15-20 हजार रुपया मिलता है, लेकिन रूम रेंट मिला के 10 हजार बचता है। हाँ। तो क्या इधर करेंगे लोग, बिजनेस करते हैं या अपना रोजगार करेंगे छोटा मोटा, तो क्या उनको लाभ नहीं होगा बिहार में? क्यों नहीं होगा जी, जब अपना मेहनत से काम करेंगे तो होगा, इधर भी लाभ होगा। अब हम यूपी से इधर आए हैं आपकी साइड में बिहार काम करने के लिए आए, तो हमें लाभ हो रहा है तभी तो हम कर रहे हैं जी इधर काम। कहीं किसी प्रकार का इधर दिक्कत वगैरह, परेशानी वगैरह? नहीं नहीं, इसे हमें 4 महीने में जी कोई दिक्कत दिखाई नहीं दी इधर। वैसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो विदेश कमाने जाते हैं? विदेश कमाने के जाते हैं तो जी उनसे यही कहना चाहेंगे कि अपने अपने हिंदुस्तान में रह के काम करो, इससे बढ़िया क्या बात है, अपने हिंदुस्तान में रह के काम करोगे तो। अपने ही राज्य में अगर? हाँ, अपने राज्य में रह के काम करो और क्या। और यूपी में क्या चल रहा है फिलहाल? फिलहाल तो यूपी में भाई कुछ ना चल रहा, बाबा जी का वही चल रहा। लोगों को कहना है कि बाबा का बुलडोजर? हाँ, बाबा का बुलडोजर चल रहा है, यूपी की तो छोड़ दो तुम। तो कैसा लग रहा है यूपी का बाबा का बुलडोजर अगर चलता है? मैं तो सही नहीं लगता जी। देखो सही नहीं लगा, गरीब आदमी पे जब अत्याचार होता है तो गरीब आदमी पे अत्याचार सही नहीं लगता जी। माफिया पे बुलडोजर चलाते हैं? माफिया वो उचित होता है, उचित कार्रवाई है या नहीं? अरे जो माफिया तो उन्हीं पे ही तो सही है जी, जो गरीब आदमी जनता है, गरीब जनता उनके घरों पे बुलडोजर चलता है तो वो सही नहीं है जी। देखो मजदूर आदमी मेहनत करके जब कमाता है तब बनाता है वो घर, बीवी बच्चों के लिए रहने के लिए, तो जब गरीब आदमी पे बुलडोजर चलेगा मैं ही क्यों ना हूँ, हर किसी को बुरा लगता है जी गरीब आदमी के घर जब बुलडोजर चलेगा तो। मतलब ये काम करके आप कहीं को तकलीफ नहीं हो रहा है? ना, हमें कोई तकलीफ नहीं है जी, हम तो अपना काम करते हैं, रोज जाते हैं, रोज जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता हमसे। चलिए बहुत बढ़िया बात। तो ये थे एक व्यक्ति जो अक्सर जो कहा करते हैं कि बिहार यूपी झारखंड के लोग बाहर कमाने जाते हैं, क्योंकि बीते दिन देखे होंगे तमिलनाडु में जिस तरह से घटना घटा, शायद वो वीडियो तमिलनाडु का जो वीडियो था वो फेक निकला, लेकिन जिस तरह से वायरल हुआ था लोगों में एक ड्रामा ना पैदा हो गया था कि लोग बाहर कमाने जाते हैं उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। ये देखिए अभी थे यूपी के एक व्यक्ति थे जो बिहार में नवादा जिला में रह के अपना भरण पोषण कर रहे थे, तो इनका कहना है कि जो लोग बाहर कमाने जाते हैं वो घर में भी रह के
अपना रोजगार या रोटी रोजगार बोले या घर की अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह भी सकते हैं या अपना घर घर परिवार को पालन कर भी सकते हैं। इसी तरह का तमाम बड़ी खबरों देखने के लिए बने रहे मगिया वक्त तक। बहुत बहुत धन्यवाद।